लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डेलीगेशन लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट ली है, हम उसका स्वागत करते और एक सकारात्मकता के साथ हम उसकी ओर देखते, क्योंकि अगर राज्य सरकार केंद्र के साथ एक संवाद रखती है तो उसका फायदा भी राज्य को होता है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर जो मांगे ये राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को की है, अच्छा होता अगर ये जो 11 मांगे की है ये इनमें से सारी मांगे ये केंद्र सरकार की के डोमेन में होती, लेकिन ध्यान में आता है कि इसमें से 8-9 मांगे तो राज्य सरकार के डोमेन में, उसका केंद्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी अगर ये मांगे की गई है तो हम इसका स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार जरूर इसमें मदद करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जिस तरीके से मराठा आरक्षण के बारे में इसी सरकार ने चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस भोसले साहब की एक कमेटी तैयार की थी, जिसमें हमारे पुराने महाधिवक्ता भी थे और बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास जाने से पहले हमको बैकवर्ड क्लास कमीशन महाराष्ट्र में गठित करना पड़ेगा। उसका उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उस आयोग का रिपोर्ट लेकर और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो वो सारी कार्रवाई को टाइम लगता है, वो कार्रवाई किए बिना अगर केंद्र के पास हम चले भी जाए और केंद्र को ये कहे कि आप कार्रवाई कीजिए, तो हमने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र कार्रवाई कैसे करेगा, इसलिए प्रीमैच्योर है। फिर भी ठीक है, वो गए तो हम स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत बैठक हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हुई होगी तो उसका महाराष्ट्र को फायदा ही होगा। मैं भी मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री जी के पास कोई भी मुख्यमंत्री जब डेलीगेशन लेकर जाते हैं तो पहले डेलीगेशन से बात होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उन मुख्यमंत्री साहब के साथ वन ऑन वन भी हमेशा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी परिपाटी में ये भी बातचीत हुई है, और ऐसी अगर बातचीत हुई है तो उसका महाराष्ट्र को बहुत फायदा होगा और इसलिए उसका मैं स्वागत करता हूं। और कुल मिलाकर वैसे भी जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि हम अलग अलग जगह है लेकिन हमारा एक स्नेह भाव कायम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से प्रधानमंत्री जी के बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, तो वो तो संबंध कभी समाप्त नहीं होते, आप भूमिका अलग अलग है। देखिए आरे का जो कारशेड का जो इलाका है वो वैसे भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको पहले ही फॉरेस्ट से मुक्ति मिल चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देते समय लिखा हुआ है कि ये फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है। और जहां तक कांजूर मार्ग का सवाल है, कांजूर मार्ग का सवाल ये हमारे लिए कोई प्रेस्टीज का इशू नहीं है, सवाल इतना ही है कि कांजूर मार्ग में अगर मेट्रो कारशेड करते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए से कीमत भी बढ़ती है और 4 साल मेट्रो कारशेड नहीं हो सकता, और अगर हम आरे में करते हैं तो 25% काम हो चुका है, बचा हुआ 75% काम ये साधारण 9 से 10 महीने में पूरा हो सकता है और मेट्रो 3 शुरू हो सकता है। देखिए राज्यपाल जी के पास जो 12 मनोनीत सदस्यों का मसला है उसका न प्रधानमंत्री जी से संबंध आता है न किसी पार्टी से संबंध आता है, पूरे तरीके से संवैधानिक रूप से राज्यपाल जी का वो अधिकार है और उसको ठीक ढंग से वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस मांग को प्रधानमंत्री जी के पास रखना मेरे हिसाब से तो कोई उसमें तुक नहीं है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी के पास जाने की बात आई होगी तो कांग्रेस है, एनसीपी और विशेष रूप से कांग्रेस है, इनको तो कुछ ऐसे मुद्दे निकालने पड़ते हैं कि जो बिल्कुल मतलब एक संदेशा देने वाले मुद्दे, क्योंकि उनकी पार्टी तो प्रधानमंत्री से मिलना ही नहीं चाहती ना, तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल संदेश देने के लिए ये सारे मुद्दे रखे हुए हैं।